के पालघर में एक कंपनी में जोरदार धमाका हुआ है। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। आसमान में धुएं का गुबार दिख रहा है। अभी ये पता नहीं चल पाया है कि ये धमाका कैसे हुआ। जिस कंपनी में धमाका हुआ है वो पालघर के दहानू में है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र के पालघर की तस्वीरें। यहाँ एक कंपनी में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके की आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। धुएं का जबरदस्त गुबार आसमान में दिखाई दे रहा है। लाइट बैंकर का फ्रिज मिल बैंकर का मैं जा मैं जा वो कारखाना माग लगी कारखाना माग लगी हुआ कारखाना माग लगी हुआ। ये तस्वीरें आप दहानू की देख रहे हैं, पालघर के, महाराष्ट्र के पालघर के दहानू की, जहां ये फैक्ट्री है। जोरदार धमाका हुआ, धमाके के साथ धुएं का गुबार उठा और आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। हमारे साथ मृत्युंजय सिंह संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मृत्युंजय, धमाका किस वजह से हुआ, फैक्ट्री किस क्या किस चीज को बनाती थी, किस सामान को तैयार करती थी, कुछ जानकारी मिल पाई है? जी देखिए, ये मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूरी पर पालघर जिले के दहानू तालिका के डेहने करके इलाका है। यहाँ की एक कंपनी में धमाका हुआ है और ये जो जहाँ पर ये धमाका हुआ है वो एक इंडस्ट्रियल इलाका है और यहाँ कई कंपनियां और फैक्ट्रियां हैं। जिस जगह पर धमाका हुआ वहाँ स्थानीय बता रहे हैं कि फटाका फैक्ट्री है, लेकिन अभी हमारे पास पुष्टि नहीं हो पाई कि क्या फटाका फैक्ट्री में ही धमाका हुआ और आग लगी या फिर आस पड़ोस की जो दूसरी अन्य फैक्ट्रियां हैं वहाँ धमाका और आग लगी। लेकिन जो स्थानीय है, गांव वाले हैं, उनका कहना है कि यहाँ फटाका फैक्ट्री है और संभवतः वहां से ये धमाका हुआ है और आग लगी है। इतना भयावह था ये मंजर, 10 से 10:30 बजे के बीच में ये पूरी घटना हुई और कई धमाके, छोटे छोटे भी धमाके हुए और इसका कंपन आसपास के इलाकों में महसूस किया गया और धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनी गई, महसूस की गई। फिलहाल हमारी अधिकारियों से बात हुई है, वहां पर तत्काल पुलिस टीम, अग्निशमन विभाग की टीम वहां घटनास्थल पर पहुंची हुई है। साथ ही साथ जिलाधिकारी भी पूरी घटना की जानकारी ले रहे हैं और अभी तक ये जानकारी नहीं हो पाई कि क्या इस घटना में कोई हताहत भी हुआ है, लेकिन तस्वीरों में हम जिस प्रकार से देख पा रहे हैं कि कितना भयावह धमाका हुआ है और इसकी आवाज और इसकी गूंज सुनाई दे रही है। तस्वीरों में नजर आ रहा है एक बच्चा भी है जो धमाके को सुनकर भागता हुआ नजर आ रहा है। इससे कल्पना किया जा सकता है कि कितना बड़ा विस्फोट हुआ और इससे पूरे इलाके के लोग फिलहाल सदमे में हैं और अभी फिलहाल आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार किस प्रकार से ये पूरा धमाका हुआ और क्या कोई हताहत हुआ है या नहीं। जी जी मृत्युंजय, ज़्यादा जानकारी के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर के लिए। तो महाराष्ट्र के पालघर के दहानू में धमाका हुआ है। जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप एबीपी न्यूज़ पर देखेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।